डियर स्टूडेंट्स, तो बात करनी है रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल एनर्जेटिक्स टेस्ट। जैसा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 35.6 ग्राम्स HCl एंड 40 ग्राम्स NaOH, फट से क्लिक करो। ये HCl का 1 मोल बनता है, ये NaOH का 1 मोल बनता है जब भी 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो हीट न्यूट्रलाइजेशन में प्रोड्यूस हो किलो जाउल के अंदर पूछी गई, तो वो 57.4 समथिंग किलो जाउल होती है। तो देखें इसमें 57.4 के करीब कौन सी ऑप्शन बन रही है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर बनेगा चार्ली। ग्रेटर देन 57 नहीं होगी, 76 या 108 वाला भी कोई चक्कर नहीं है। तो सीधा सीधा जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वही पूछी गई, आपको कंफ्यूज हरगिज नहीं होना। ए प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक एज वेल एज स्पॉन्टेनियस, हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा हो, खुद बहुत भी हो रहा हो, ज्यादातर एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो यहीं पे क्लिक हो जाएगा, सर लेक्चर में ही आपने बता दिया कि एवेपोरेशन एक एक्सेप्शन है कि एंडो है और साथ में स्पॉन्टेनियस भी हर टेम्परेचर पर हो रहा है, बाकी कंबस्शन आपको पता है कि एक्सो है स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलिसिस एंडो एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी भी डेफिनेटली एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। आंसर अल्फा। बॉम कैलोरीमीटर फेल्स टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, अब आपको पता है इम्पॉसिबल रिएक्शंस, कोटिंग जिनके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है, ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पी हम लोग बॉम से नहीं बल्कि हेसिस से पूछते हैं। तो आपकी बुक की लाइन है, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता बल्कि बेरिलियम मेटल की सरफेस पर कोटिंग बन जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो इनकम्प्लीट होते हैं उनकी एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स यूज किया जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हैसिस लॉ यूज किया जाएगा, ठीक है। बॉम कैलोरीमीटर फेल हो जाता है, इस तरह एलुमिना वगैरह हो गए, बेरिलियम ऑक्साइड वगैरह हो गए, इनके रिएक्शंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं। इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इज 28,040 किलो जाउल पर मोल, द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगी? ओके ओके, देखो जरा रेशियो बनाओ, हीट रेशियो मोल्स, बड़ा आसान सा सवाल है। 1 मोल पर मोल लिखा हुआ है, तो 1 मोल के लिए हीट है 28,040, 60 ग्राम्स के मोल निकालते हैं, 60 ओवर 180 करें। आप कहेंगे सर जी सीधा सीधा हिसाब है, 1/3 मोल्स बन रहे हैं, तो फिर 1/3 मोल्स के लिए कितनी होगी x? आप कहेंगे सर जी मसला ही हल हो गया, मसला ही हल हो गया, x फाइंड आउट करना हो अगर इसके 180 ग्राम को आप 60 ग्राम में लेकर के जा रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली हीट को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके सामने इस वक्त मौजूद है 28,040 मल्टीप्लाई हो अगर 1/3 के साथ, तो ये डिवाइड होकर के ऑफ कोर्स आपके पास आंसर चार्ली बनेगा। बड़ा आसान सा सवाल है, ये नेगेटिव साइन इधर का इधर ऑफ कोर्स आएगा, समझिए बात को। तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि पॉइंट्स जो है वो ये कितने मोल्स बनते हैं 1/3, ऑफ कोर्स 1/3 बनते हैं 0.33 मोल्स, उसके लिए हीट होगी। हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, ये हमेशा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट का, जो कि आप लोगों को शुरू में ही बता दिया गया था। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स हीट्स को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, बाकियों के अंदर देखो मैनिपुलेशन आपको नजर आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी नहीं होती, हीट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है नॉट अ स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा स्टेट की प्रॉपर्टी होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो नहीं है। आप कहेंगे सर जी बड़ी तसल्ली से आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हीट एनर्जी और वर्क डन दोनों स्टेट फंक्शंस नहीं है, जस्ट फंडामेंटल वेज है एनर्जी ट्रांसफर करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे स्टैंडर्ड स्टेट से, तो कार्बन सॉलिड होना चाहिए और ऑक्सीजन 1/2 O2 गैस होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड स्टेट से उठा करके बनाने का तरीका, ये इक्वेशन अगर कहीं पर दिख रही है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर अल्फा, सर बीटा क्यों नहीं हो सकता, ऑक्सीजन यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, सर चार्ली क्यों नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, सर वाई नॉट डेल्टा, वाई नॉट डेल्टा, उसमें कार्बन सॉलिड स्टेट में नहीं पड़ा हुआ, गैसियस स्टेट में पड़ा हुआ था, कार्बन मस्ट बी इन इट्स
कार्बन मस्ट बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन एन ए गोज टू फॉर्म एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज, लेक्चर में करवा चुका हूं, सॉलिड से पहले गैशियस एटम्स बनेंगे, गैशियस एटम से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक तो एटमाइजेशन और दूसरा आयोनाइजेशन, तो दो एनर्जीज होंगी जो यहां पे सम अप होंगी, तो हम लोग एटमाइजेशन और फर्स्ट आयोनाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शंस आप लोग जानते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को आइडियाज दिया था इस तरह के क्वेश्चंस को, हाइड्रेशन ऑफ गैशियस कैटायंस, बेटा ये एक्सो होती है याद रखिएगा नेगेटिव साइन के साथ, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, ये पॉजिटिव एंडो हमेशा होगी, ऑफ कोर्स इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल इनटू एटम्स बोथ बी एंड सी, थोड़ा सा सबर करना पड़ता है, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना पड़ता, दोनों बी और सी जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिस तरह आप लोग एच टू मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके गैशियस एटम्स बनाते हो, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ होगा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ होगा, तो आंसर बनेगा डेल्टा. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, अब इस तरह के रिएक्शंस की टाइप्स ऑफ कोर्स हमें ये यूं समझ लो जनरल क्वेश्चन है जो किसी भी यूनिट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, लास्ट दो तीन यूनिट्स की बात करो, तो वन मेटल इज रिप्लेसिंग द अदर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के सेंस में मैंने इसको दिया कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर दिए, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स ले लिए होंगे उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा. अब एक तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ऊपर से ये स्पॉन्टेनियस भी है, क्योंकि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को बासानी रिप्लेस कर सकती है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जल्दबाजी से फैसला करने की बजाय बोथ ए एंड सी करना, स्पॉन्टेनियस तो है ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को रिप्लेस कर रही है, साथ में सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होगा कि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को रिप्लेस कर रहा है. आंसर इज डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, गलती नहीं करनी अब, क्वाइट इजिली इस तरह के क्वेश्चन से निपटना है तुम लोगों ने, फौरन पहुंचो. आप लोगों के पास डायमंड जो है वो आपको पता है कि हार्ड होता है, कंबस्टेबल नहीं होता, तो ग्रेफाइट को सिलेक्ट करोगे, तो कार्बन ग्रेफाइट और साथ में हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन मुझे कहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे गलती इसलिए है कि मीथेन लिक्विड स्टेट में नहीं होता, गैशियस स्टेट में होता, तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन सबसे सूटेबल बन रही है. चार्ली में गलती डायमंड है और डायमंड इतनी जल्दी जो है वो नहीं रिएक्ट करता, ग्रेफाइट का फिर भी रिएक्शन हो जाता है आपको पता ही है, तो इसमें मिस्टेक क्या है कि हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, इसकी मिस्टेक डायमंड है, इसकी मिस्टेक मीथेन का लिक्विड स्टेट में होना, तो इसका मतलब विदाउट मिस्टेक अल्फा ऑप्शन ही बन रही है, करेक्ट ऑप्शन भी अल्फा होगी. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, यह देखो ये है रिएक्टेंट्स की हीट, ये है प्रोडक्ट्स की हीट और ये है जनाब जी एक्टिवेशन एनर्जी. अब यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन किधर है उसके ऊपर भी आपको हाईलाइट करके बता दूं, ये देखो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट का ये जो डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट का ये जो डिफरेंस है ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है. अब उसने पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये डेल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन में याद रख लीजिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी तक जाना है. तो ये बात अब मैंने यहाँ पिक्चर के थ्रू या ग्राफ के थ्रू क्लियर कर दी कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगी डेल्टा एच, तो ये ऐसा रिएक्शन कौन सा होगा, एंडो होगा. और एक्सो में क्या होगा, ऑफकोर्स कम हो जाएगा, अपोजिट कर देना तो डेफिनेटली मुझे कह देना चाहिए ग्रेटर देन डेल्टा एच, ये मोर देन डेल्टा एच, तो आंसर बनेगा बेटा. पूछने का अंदाज निराला कर दिया मैंने इसी तरह के सिंपल से ट्रिकी से क्वेश्चन पेपर में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, जिसने हीट एब्जॉर्ब करनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर के वाटर बनाना -285, सबको इसकी वैल्यू याद है. न्यूट्रलाइजेशन भी नेगेटिव है, ओके ये कंबस्शन हो रही है अल्कोहल की, ये भी नेगेटिव. आप कहेंगे सर जी मेरे को सी है वैल्यू में पड़ी हुई है +180 किलो जूल पर मोल है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पे एंडोथर्मिक एक ही चेंज है और वो डेल्टा ऑप्शन में पड़ी हुई है. 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर वही क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन टू
इथीन टू इथेन या डिहाइड्रोजिनेशन है, इथेन टू इथीन जानी पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन मैं कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब देखो फॉर्मेशन के वक्त ये एब्जॉर्ब होती है, सॉरी फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होती है और ब्रेकेज के वक्त क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो वाटर को डिकम्पोज करना हो तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो एक्सो है, और डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगी, एंडो, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना एक्सो है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर -120 किलो जल पर मोल। लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो एंडो हो जाएगी। इसका मतलब है कि बीटा भी एंडो है, चार्ली भी एंडो है, तो इसका मतलब है अल्फा ना भी पता है तो तुम गोल आंसर तो आ गया ना डेल्टा ऑप्शन। बाकी आपको पता है ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्जन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट भी किया है, +1.91 के साथ जो है वो आंसर आया था। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, नहीं है, नहीं है, मान लो मान लो मान लो। लास्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, UHS के सिलेबस में आ चुका है ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 गैस मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए। सर इसकी एंथैल्पी जीरो नहीं हो सकती, मुझे पता सर ये -393 है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन ऑफ कार्बन, हाँ सर हमने कम्बस्शन के अंदर भी तो पढ़ी एग्जाम्पल, कार्बन कम्बस्ट होकर तब भी इतनी हीट प्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन ऑफ गैशियस कार्बन, अब आपको पता है कि जब भी कार्बन को कम्बस्ट किया जाएगा तो गैशियस स्टेट में तो नहीं होगा, डेफिनेटली हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होती है। द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा क्लोज 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 जो है वो ऑप्शंस के साथ ही ये मौजूद है। बहरहाल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन तो ऑटोमेटिकली सी बात है ये कहलाएगा, सर व्हाई नॉट दिस वन, आपको पता है आप गलती करोगे। क्या मतलब, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ये -393। ठीक है, और इसमें अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की भी शामिल कर ले जो कि -110 बनती, तो इन दोनों को सम करें तो ये -393 तो नहीं बनेगा, तो माइनस जो है वो 503 बन जाएगा। तो हमने -393 करवाना है, पहले पही जाएगी गल कि गलती तुसी करनी है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकती। तो गैशियस कार्बन नहीं कंबस्ट किया जाता, सॉलिड नहीं किया जाता, चार्ली भी निकल जाएगा, अल्फा भी निकल जाएगा, तो बचेगा कि बीटा ऑप्शन। समझ आया जाए क्वेश्चन, बड़ा आसान सवाल सी। तो इस तरह से आप लोगों के ये 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी अच्छे तरीके से। इस डिस्कशन से जो फायदा हुआ, इसी तरह बाकी डिस्कशन से भी आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को पता चला कि आपका कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। इन डिस्कशन में बताने वाले की पॉइंट्स शॉर्टकट्स को याद रखें और उनको अप्लाई करें, और अपना ख्याल भी रखिएगा, और इसी तरह मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी कामयाबियां अता करें। गुड लक, खुदा हाफिज़।